साहिल को ना होम सेंटर से ऑब्सेशन हो गया है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन आउट देयर, वेलकम टू माय वर्ल्ड माय व्लॉग्स। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा निकला, टच वुड। मम्मी का फास्ट बहुत अच्छे से हो गया, हम सब सुबह उठ गए थे अराउंड 7 o'clock, बिकॉज हम 5 बजे उठे थे, बट मॉम वॉज लाइक अभी सो जाओ, अभी टाइम है एंड आई एम नॉट फीलिंग दैट हंग्री और थर्स्टी। तो वी वर लाइक चिल, 7 बजे उठे एंड देन मॉम एट समथिंग एंड देन वी वर टॉकिंग। और अब मेरे कुछ काम लाइन अप है। द फर्स्ट थिंग आई हैव टू कुक एंड आज थोड़ी क्लीनिंग करनी है घर की। क्लीनिंग के बाद माइट बी विल गो आउट फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग। और क्या क्या है आज अनफोल्ड एंड टिल देन, आपको कल का ब्लॉग आपने अभी तक देख लिया होगा, तो प्लीज़ अगर मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है ना, डोंट फर्गेट टू लाइक इट, सब्सक्राइब करो चैनल को, सपोर्ट करो, बिकॉज आई एम न्यू ब्लॉगर, नीड ऑल योर लव एंड सपोर्ट, तभी आगे बढ़ पाऊँगी मैं। और जो चीज़ मुझे लाइफ में आती है मैं वो आप लोगों से शेयर कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड वन मोर थिंग, सुल्तान वाले ब्लॉग पे इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आप सबका। अपना प्यार ऐसे ही देते रहो यार। गजब बेइज्जती है। तो खाने से कुछ शर्माता है? चलो आप आ जाइए। शायद को लेके खाना खा लोगी ना? शायद को लेके खा लोगी? जल्दी आ, आप खा लेगी, साहिल को देख लेगी ना, आप खा लेगी। ओए होए देखो, साहिल का सारा बात मानती है भाई। ओ भाई शर्म। Few moments later. किसका फोटो नहीं खींचे? मेरा। मारा नहीं खींचा फोटो पापा, तुम्हारा हम खींचेंगे, ठीक है? हाई फाइव, हाई फाइव, फ्लाइंग किस, वर्क इन प्रोग्रेस। सो फाइनली आई एम ऑल रेडी टू गो टू द मार्केट, बिकॉज मैंने कहा था कि आज हमें ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाना है एंड देयर वी आर, हम जा रहे हैं यहाँ से नियर बाय विशाल मेगा मार्ट है। तो हम एक बार आज विशाल मेगा मार्ट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और साइड बाय साइड विल शॉप फ्रॉम देयर ओनली। जब भी घर से बाहर निकलो उसका यही हालत है, भौंक भौंक के। सुल्तान आ रहे हैं। पोज देखो मग के साथ। टाइम वेरी एक्सप्लोरिंग थिंग्स। मास्क लोग यहाँ पहनते नहीं है बट हम तो पहनेंगे। आई पर्सनली लाइक जहाँ वन रूफ के अंदर सब कुछ मिल जाए और बहुत कुछ है यहाँ पे। वेरी यूजफुल फ्रिज मैट, बट यहाँ तो मैथ्स ही मैथ्स है, मैथ्स ही मैथ्स। भैया बाइंग छोले। साहिल को ना होम सेंटर से ऑब्सेशन हो गया है, ग्रॉसरी शॉपिंग के बाद घुमा फिरा के मेरे को फिर से होम सेंटर लेके आ गया। आई हैव नो आइडिया व्हाट ही इज अप टू, लेट्स सी। सो फाइनली आई एम बैक फ्रॉम द मॉल एंड इट वॉज वेरी हेक्टिक एंड टायरिंग डे, बिकॉज विशाल मेगा मार्ट से शॉपिंग करने के बाद हम डायरेक्ट गए होम सेंटर। साहिल इज काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विद होम सेंटर, आई फील दैट, बिकॉज वो बार बार जाता है वहाँ पर, कुछ ना कुछ उसको पसंद आता ही आता है। सो फॉर अ चेंज आज मैं नहीं, आज छोटा पतलू घूमने जा रहा है। जा रहा है घूमने? मेरे को छोड़ के घूमने जा रहे हैं घूमने? एंड नाउ शी इज गोइंग आउट, she's happy, super happy and we are winning. nahi nikalo, sari mehnat bekar, wapas se iska hairdo karna padega bhabhi ko. ye clip nahi lagana, laga lo kaise dekh rahi main baal kaise pakda? oye ishi sami nahi लंपट बाल पकड़ती है, बताऊं? जा रही है घूमने मेरे को छोड़ के? मेरे चॉकलेट लेके आएगी? पक्का पक्का प्रॉमिस? ठीक है वेट करेंगे, ठीक है? नहीं, वो वाला जो आते हैं, नहीं मिलता है वहाँ, चॉकलेट नहीं मिलता है नहीं।
मेरे को उल्लू बना रही है अभी से। बड़ी तेज है भाई। अच्छा अब रुको, अब हम भी जाएंगे तो हम भी ये बोलेंगे वहाँ चॉकलेट नहीं मिलता है। नहीं तुम मैंने लेके आओगी, तुम मेरे चॉकलेट लेके आओगी, दूध तो पियेंगे लेकिन तुम मेरे चॉकलेट लेके आओगी। तुम प्रॉमिस की हो मेरे को, ऐसे काम नहीं चलेगा। लास्ट टाइम मैं जो होम सेंटर डेकोर आइटम लेके आई थी, आई मीन आई जस्ट लव देम, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी विद द प्राइस। मैंने सोचा मैं इस ब्लॉग में इस घर के लिए हमने क्या लिया, कब लिया और कहाँ से लिया, एक एक चीज हमने खरीदी है साहिल और मैंने मिलके, हाउ वी मैनेज्ड एवरीथिंग। इट्स नॉट दैट टफ एट ऑल गाइज। लोग कहते हैं कि इट्स वेरी टफ, अकेले करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ जब आप किसी भी चीज़ को ठान लेते हो ना, ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करता है। और हमारे केस में तो खैर भगवान जी ने बहुत हेल्प करी है, बिना महादेव और माँ के तो पॉसिबल ही नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्लान कर लिया है हमने चिमनी, गैस भी हमने उसका ही लिया है 4 बर्नर, ये दोनों ही इंस्टॉल हो जाएगा कल ऑलमोस्ट। एक बार इन दोनों को हम इंस्टॉल कर दें, परफॉर्मेंस देखें इनकी कैसी है, उसके बाद मैं आपको रिव्यू ज़रूर दूंगी। ग्लेन की चिमनी लगवाई है, अभी भैया सारा कुछ सिखाएंगे जो भी फंक्शंस हैं इसके। वर्क इन प्रोग्रेस, इट्स ऑलमोस्ट डन। हाँ अब लुक आ रहा है, no. अब लुक अच्छा आ रहा है। स्पीड बढ़ गई ना, सारा कुछ बताएंगे वो भी। ये मैडम जो ऑटोक्लिंक है उसको आराम से खोलना, आराम से लगाना है, ज्यादा टाइम के लिए कट हो जाएंगे हर के हाथ से। जी मैडम ठीक है, इसको लगाने के लिए आराम से इसको लगाऊंगा बस ठीक है। ये ऑटोक्लिंक का बटन जब उनको खोलिएगा 3 महीने के बाद, खोलने के 10 मिनट पहले इस बटन को ऑन कर दीजिए। खोलने के 15 मिनट पहले आप इस बटन को दबा दो, 10 सेकंड दबा के रखना, ये ऑटोमेटिक का बटन लाइट ऑफ रहेगा 10 सेकंड के लिए। जी मैडम ठीक है। उनके बाद 15 मिनट के बाद मेन बटन बंद करना है। जी मैडम ठीक है। उनके अंदर जो भी वॉल्यूम है वो वहाँ पे आ जाएगा। जी मैडम ठीक है। चलाने के लिए डायरेक्ट आप भी चला सकते हो, टच एंड सेंसर दोनों है। जी मैडम ये हाई स्पीड हो गया, ज़्यादा धुआं है तो अच्छा, ये प्लस है ज़्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए और ये माइनस। चिमनी इज़ डूइंग रियली वेल, हमने इसका पाइप यहाँ से बाहर निकलवाया है एंड इट्स वेरी गुड, टच एंड बटन्स दोनों हैं। गैस का मैं बोलूँगी नॉब थोड़ा ऑपोजिट खुलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम नॉर्मल गैस ये ऐसे खुलता है, नॉर्मल गैस ऐसे खोलते हैं ना, मैं तो भूल भी गई शायद, बट ये यहाँ से ऑन होता है लाइक दिस और ऐसे ऑफ होता है, आई गेस थोड़ा ऑपोजिट है ये, बट अच्छा है। जंबो बर्नर है, जब भी हमें कुछ ज़्यादा बनाना होता है वी यूज़ दिस इन्वर्टर। लग भैया अपने काम पे, ये ऐसे ना ऐसे होल्स होते हैं, भैया इस होल्स को फिल करने वाले हैं।
जो भी मुझे जानते हैं उनको इतना पता है कि मेरे लिए घर के अंदर सबसे पहली चीज जिसको मुझे अच्छे से सेट करना था, दैट वाज माय मंदिर। भगवान जी का स्थान सेट करना मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, सबसे पहला काम मैंने वही किया। सबसे पहले मैंने अपने भगवान जी का स्थान बनाया, सबसे पहले। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग वॉज अ वॉशिंग मशीन, तो हमने बॉस का लिया है, बहुत ही अच्छा है। 7 kg हमारे लिए काफ़ी है, सफिशेंट है, फुली ऑटोमेटिक है और ये मेरा काम बहुत आसान कर देता है। जो हम अभी खरीद रहे हैं वो है सैमसंग का रेफ्रिजरेटर, है नीड है और इसके बिना काम नहीं चल रहा यार। एक एक करके एक एक चीज़ खरीदना, इट्स वेरी टफ और वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड। और हमने ये फाइनल किया है।